इम्प्रेस्ड हूँ कि कैसे इतना छोटा सा पूरी टेबल हिल रही है। लेट्स गो। हो गया काम, दिल अमन इसको। तो गाइस इस बॉक्स के अंदर है हमारा क्लास डी का एम्पलीफायर बोर्ड। तो ये जो एम्पलीफायर मॉड्यूल है ये मेरा बहुत दिनों से मन था, बहुत सालों से मन था कि मैं आपके सामने कुछ ऐसा लाऊं, ठीक है। तो फाइनली आज क्लास डी का एम्पलीफायर बोर्ड हमारे सामने रखा हुआ है, आपके सामने रखा हुआ है। तो उसकी टेस्टिंग होगी, प्रॉपर रिव्यू होगा, प्रॉपर अनबॉक्सिंग भी होगी, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहां से बाय कर सकते हो, कहां से आप बहुत ही सस्ते प्राइस में इसे बाय कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हमें इसे ओपन करना है। इस एम्पलीफायर का मॉडल नंबर जो है वो है ZK MT21 2.1 एम्पलीफायर है ये। तो बाकी डिटेल्स मैं इसको खोलने के बाद ही बताऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। ओके, बहुत ही मजा आने वाला है आज की वीडियो में गाइस, तो पूरी देखना वीडियो को। आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है और बबल रैपिंग के अंदर हमारा एम्पलीफायर बोर्ड पैक्ड है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस नॉब वगैरह है हमारी एम्पलीफायर की, देख सकते हो, ठीक है। इनको भी साइड में रखते हैं हम। और उसके बाद एक और पैकेट है इसके अंदर जो कि इसका अपर केस है और एक लोअर केस है। इस मॉड्यूल के साथ कंप्लीट एक्सेसरीज आती है, जैसे एक स्क्रू ड्राइवर हो गया, अपर केस लोअर केस प्रॉपर फिटिंग आती है। और यहाँ पे देख सकते हो स्क्रू वगैरह भी दिए गए हैं प्रॉपर एक बॉक्स टाइप का बनाने के लिए इस एम्पलीफायर को। ओके, तो सबसे पहले मैं एम्पलीफायर दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ये है हमारा मेन एम्पलीफायर बोर्ड जिसकी मैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ, बहुत सालों से मन था गाइस मेरा, फाइनली आज वो टाइम आ चुका है, ठीक है। तो ये है हमारा मेन एम्पलीफायर बोर्ड। तो थोड़ा इंडिकेशन के लिए मैं इसमें से स्क्रू ड्राइवर भी निकाल देता हूँ ताकि आपको बताने में मेरे को आसानी हो। तो ये है हमारा स्क्रू ड्राइवर और ये है हमारा क्लास डी का एम्पलीफायर बोर्ड। ओके, 2.1 आप देख सकते हो। सबसे पहले हम इसकी हीट सिंक देखेंगे जो कि बहुत ही स्मॉल है, मतलब बढ़िया है। और इसी हीट सिंक के अंदर हमारी आईसी लगी हुई है, उसको भी रिवील करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे एक पावर सप्लाई के लिए जैक दे रखा है, ठीक है। इस जैक में आप 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक ऑप्टिमम पावर है तो वो दे सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। 24 वोल्ट पे बहुत ही बढ़िया आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो 24 वोल्ट जहाँ तक हो वो यूज़ करना। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो ऑक्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आप ऑक्स भी लगा के इसे यूज कर सकते हो। इसमें ब्लूटूथ तो है एम्पलीफायर बोर्ड में, साथ साथ इसमें ऑक्स का भी ऑप्शन है। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी इस बोर्ड में, इसमें ब्लूटूथ भी है यहाँ पे देख सकते हो और एक ऑक्स भी है। तो ये जो बोर्ड है एकदम रेडी टू यूज है, आपको बस स्पीकर एडेप्टर और एक बूफर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो ओप एम्प की आईसी भी दे रखी है यहाँ पे चार प्रॉपर तरीके से, जो कि 5532 है, AE5532 ICP, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नॉब है, 5 नॉब है। आप सोच रहे हो 5 नॉब क्यों है, तो मैं बता देता हूँ। एक बार इसका केस निकालते हैं हम, जो कि इसकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी है, ठीक है। उसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट दो कंट्रोलर है नॉब है, ये दोनों है हमारी सबवूफर की, ठीक है। RMS पावर इस एम्पलीफायर की 200 वॉट्स है, ठीक है। तो ये दो नॉब है ये हमारे सबवूफर को कंट्रोल करेगी। जो फर्स्ट नॉब है वो सबवूफर की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगी और एक वॉल्यूम को। ओके, इसी तरीके से ये दो नॉब जो है ये 50-50 वॉट के जो स्पीकर होंगे हमारे, ओके, ये उनको कंट्रोल करेगी, ये उनका बेस ट्रेबल कंट्रोल करेगी, आप देख सकते हो, ठीक है। बेस और ट्रेबल, जो ये लास्ट वाली है ये हमारा मेन वॉल्यूम कंट्रोल करेगी, आप देख सकते हो। सबसे अच्छी बात इसमें एक और है कि ये जो नॉब है हमारी लास्ट वन, इसी के अंदर हमें ऑन ऑफ स्विच भी मिलेगा। अभी मैं ऑन करता हूं तो आप देखने कट की आवाज आएगी, ये देखिए ये ऑन हो चुका है और यही हमारा मेन वॉल्यूम कंट्रोलर है। सबवूफर फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम इस तरीके से एकदम फिट होने वाला है, एक बॉक्स बनाने वाले हम इसको। और ये देख सकते हो राइट और लेफ्ट चैनल के लिए भी बेस ट्रेबल यहाँ पे दे रखा है और मेन वॉल्यूम ये है हमारा। ओके, ऑन ऑफ स्विच भी इसी में है और प्लस माइनस भी वॉल्यूम का इसी में है। और इसको अगर हम पीछे पलटे तो ये देख सकते हो इस बोर्ड में कम से कम जो पावर सप्लाई है हम 12 वोल्टेज की दे सकते हैं डीसी में और 24 वोल्ट की ऑप्टिमम है मैक्सिमम, ठीक है। तो आप 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक की पावर सप्लाई से इसे ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो ऑक्स इन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपको मैंने बताया ऑक्स भी यूज कर सकते हो उसमें। तो ये इसका अपर केस था और यहाँ पे इसका लोअर केस है, आप देख सकते हो। तो ये इसका लोअर केस है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर वगैरह प्रॉपर लिखा हुआ है, ZK MT21 इसका मॉडल नंबर है।
और डीसी 12 वोल्ट टू 24 वोल्ट और करंट वगैरह यहाँ पे सब लिखा हुआ है। जो ब्लूटूथ है वो 5.0 है, ठीक है, जो कि 15 मीटर तक कैच करेगा कम्प्लीटली। और ये सारे इसमें फीचर लिखे हुए हैं। इस मॉड्यूल से आप दो 50-50 वॉट के स्पीकर चला सकते हो 100 वॉट का सबवूफर बहुत ही इजीली, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया साउंड आने वाला है। ये आपका घर हिला देगा, मतलब छोटा सा रूम पूरा म्यूजिक से भर देगा, मतलब आपको मजा आ जाएगा। इतना छोटा सा एम्पलीफायर बोर्ड ढलका मचा देगा, ठीक है, मतलब आपके पूरे घर को नचा सकता है, इतना तगड़ा ये एम्पलीफायर बोर्ड है। और यहाँ पे देख सकते हो टर्मिनल्स दे रखे हैं, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको टर्मिनल्स में कैसे कनेक्शन करना है, ये भी आपको बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए शॉर्ट में। यहाँ पे ये जो फर्स्ट दो टर्मिनल्स है, ठीक है, ये वाला पेयर ये हमारा सबवूफर का है, ठीक है, ये वाला सबवूफर का है, देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे एस लिखा हुआ है और ये लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट स्पीकर हो गए हमारे 50-50 वॉट के जो हम अभी कनेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा इसका कनेक्शन हो जाएगा स्पीकर और सबवूफर का। और मैं अब बात करता हूँ, ये हमारी ओप एम्प आईसी है, चार यहाँ पे दे रखी है और एक अच्छी खासी वैल्यू में हमें एक कैपेसिटर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये है हमारा कैपेसिटर। और पीछे का लुक कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी प्रॉपर लिखा हुआ है सबवूफर के लिए, लेफ्ट और राइट चैनल के लिए, हमारे स्पीकर्स के लिए। और यहाँ पे डीसी वोल्ट भी लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ZK MT21। अब इसकी आईसी देखते हैं, हम आईसी को रिवील करते हैं। सो सबसे पहले हमें ये जो हीट सिंक है इसको निकालनी पड़ेगी। और गाइस इसकी आरएमएस पावर 200 वॉट्स है, 200 वॉट्स, बहुत ही तगड़ा एम्पलीफायर बोर्ड है, छोटा सा है पर धमाका है। तो हमने इसकी हीट सिंक खोल ली है, आप देख सकते हो, तो ये है, देख सकते हो यहाँ पे दो आईसी है, 3116 की 3116 आईसी मॉडल नंबर है। और बहुत ही बढ़िया आईसीज हैं ये, क्लास डी की, और बहुत ही बढ़िया साउंड देती हैं, मतलब मजा आ जाता है ऐसा साउंड देती है। तो वापस लगा देते हैं। A few moments later. So guys, finally हमने हीट सिंक जैसी थी वैसी लगा दी है प्रॉपर तरीके से। So guys, अब इसकी फाइनली हमें टेस्टिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। सब कुछ आपको बता दिया है मैंने, इसके मेन फीचर वगैरह, स्पेसिफिकेशन का एक चार्ट मैं स्क्रीन पे दे दूंगा आपको, स्टार्टिंग में या लास्ट में आप देख लेना, आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं, तो इसका कनेक्शन करेंगे प्रॉपर तरीके से। उससे पहले हम इसको प्रॉपर कवर करेंगे जिस तरीके से इसकी एक्सेसरीज दी गई हमें। और ये जो हमारे अपर केस और लोअर केस है ये पीसीबी का है, मेटल लग रहा होगा पर ये एकदम पीसीबी का है, प्लास्टिक है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा जो पैनल है जिसके अंदर ये बिल्ड हो रखा है, यही हमारा ये मेन अपर केस भी है, ओके। और इसकी नॉब वगैरह भी है यहाँ पे, इसको भी लगाएंगे। और एक सॉकेट भी दे रखा है एडाप्टर के लिए, आप देख सकते हो प्रॉपर कनेक्शन दे रखा है बोर्ड में, ये सॉकेट ये देख सकते हो। अगर आपका एडाप्टर कटा हुआ है, अगर आपको काटना पड़ा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे दो टर्मिनल्स दिए गए हैं, डायरेक्ट इनपुट करके अपनी वायर को यहाँ पे टाइट कर सकते हो, ठीक है। ये एक सॉकेट हो गया हमारा, ये हमारे स्क्रू है, तो प्रॉपर फिटिंग करने वाले हैं हम। सो गाइस फाइनली हम इसको कंप्लीट फिट करेंगे जिस तरीके से इसकी एक्सेसरीज है, सारा एक साथ जोड़ के देखेंगे किस तरीके का एक बॉक्स बनता है। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लगाएंगे नॉब्स, देख सकते हो अपर केस और लोअर केस को लगाने के लिए यहाँ पे सारे हमने स्क्रू वगैरह निकाल लिया है, बहुत ही तरीके से हमें लगाने होंगे, बहुत ही रिस्की काम है, अगर एक भी इधर उधर हो गया तो मेरे घर में तो सारा हो जाएगा ये, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लगा देते हैं। A few moments later. Finally, हमने ये चार पिलर यहाँ पे खड़े कर लिए हैं, आप देख सकते हो। अब इसका अपर केस लगेगा, उसके बाद हम स्क्रू टाइट करेंगे। सो आइए करते हैं आगे का प्रोग्राम। सो गाइस ये एक स्क्रू हमें एक्स्ट्रा मिला हुआ है। सो गाइस फाइनली अपने क्लास डी एम्पलीफायर की असेंबलिंग हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हो ऑल ओवर, ठीक है। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ मैं कौन सी पावर सप्लाई इसमें देने वाला हूँ, किस एडाप्टर से। सो लेट्स गो। जिस एडाप्टर से मैं अपने एम्पलीफायर को चलाने वाला हूँ वो है एक लैपटॉप का चार्जर, आप देख सकते हो 19.5 वोल्टेज का है, 3.5 एम्पियर का है ये। तो इससे हम चलाने वाले अपना क्लास डी का एम्पलीफायर बोर्ड, और आप भी चला सकते हो अगर आपके पास 24 वोल्टेज का है तो वो और बढ़िया बात है, ठीक है। तो इससे कनेक्शन करते हैं। सो कैसी है हमारे लैपटॉप के चार्जर के दो वायर्स, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो कनेक्शन करते हैं अपने सॉकेट में जो कि हमारे क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड के साथ आया है। सो कैसी है हमारा सॉकेट, तो इसमें हम कनेक्शन कर देते हैं अपने लैपटॉप के वायर्स का। सो
सो गाइज फाइनली हमारे कनेक्शन भी हो चुके हैं, देख सकते हो नेगेटिव नेगेटिव में और पॉजिटिव पॉजिटिव में। सो गाइज फाइनली हमने असेंबलिंग भी कर ली है और साथ ही साथ हमने अपने एडाप्टर का भी कनेक्शन कर दिया है। सो आइए अब टेस्टिंग करते हैं सबवूफर और स्पीकर का कनेक्शन करते हैं। सो लेट्स गो। तो कैसी है हमारा सबवूफर जिसका कनेक्शन करने वाले हैं, और ये है दो 50-50 वॉट के स्पीकर्स, ठीक है। और जो कैसी सबवूफर है इसकी मैक्स पावर 400 वॉट है और बहुत ही बढ़िया साउंड है, बहुत ही बढ़िया बेस निकलता है इसमें से। तो आइए इसका कनेक्शन करते हैं अपने एम्पलीफायर बोर्ड के साथ, उसके बाद इन दोनों स्पीकर्स का भी करेंगे। ओके सो लेट्स गो। सो गाइस सबवूफर का कनेक्शन हो चुका है, अब स्पीकर करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। सो वीडियो फास्ट मोशन में चलेगी, लेट्स गो। सो गाइज फाइनली अपने कनेक्शन हो चुके हैं, आप देख सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव मैंने दोनों में ख्याल रखा हुआ है, प्लस प्लस में माइनस माइनस में। ओके तो इस तरीके से हमने कनेक्शन कर दिए हैं। सो गाइज फाइनली समय आ चुका है टेस्टिंग का, तो फाइनली हम टेस्ट करेंगे। हमने कनेक्शन वगैरह प्रॉपर कर लिए हैं अपने क्लास डी के एम्पलीफायर बोर्ड में स्पीकर्स और बूफर के, ठीक है। सो गाइज अभी जो मैंने स्पीकर और बूफर दिखाया है ये बस स्टार्टिंग में टेस्ट होगा, इसके बाद एक बड़ी सी पेटी है जिसमें मैंने एक 400 वॉट का बूफर जो कि यही है ये लगा रखा है जो मैंने आपको दिखाया, और उसमें 100 वॉट के दो स्पीकर लगा रखे हैं। प्रॉपर पेटी है, एक बॉक्स है और एकदम बढ़िया बिल्ड हो रखा है, तो उसमें भी टेस्टिंग करेंगे इसके बाद, ठीक है। सो गाइस बी देयर, वीडियो एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं जो नॉर्मल स्पीकर है जो हमने मतलब ओपनली हम टेस्टिंग करने वाले हैं इसकी। सो आइए गाइस फाइनली टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उस पेटी का भी करेंगे जो वहां पे रखी हुई है मेरे सामने। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग, आई कांट वेट, ठीक है, बहुत एक्साइटेड है, पहली बार टेस्टिंग करने वाला हूं आपके सामने क्लास डी एम्पलीफायर की। सो लेट्स गो। सो गाइस फाइनली आइए पावर सप्लाई देते हैं अपने एम्पलीफायर बोर्ड को 19 वोल्टेज की। ओके ये हमने दे दी है। सो गाइस आइए फाइनली अपने क्लास डी के एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सो लेट्स गो। ओके यहाँ पे कोई भी आवाज नहीं आने वाली है, यहाँ पे हमारे फोन में पीटी आ जाएगा इसका। ओके सो गाइस ये है इसका बीटी, आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ चुका है WZBT 5.0। तो अब कनेक्ट करते हैं इसको पेयर। ओके गाइस कनेक्शन हो चुका है, आप देख सकते हो। अब साउंड प्ले करते हैं। ओके ऑन हो चुका है। अब यहां से हम बेस ट्रबल वगैरह फ्रीक्वेंसी छेड़ते हैं और देखते हैं साउंड कितना बढ़ता है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी सबवूफर की फुल है, मेन वॉल्यूम। अब सबवूफर की फ्रीक्वेंसी और साउंड को एकदम कम कर देते हैं और स्पीकर की वॉल्यूम को देखते हैं। ओके एकदम डाउन कर दिया हमने फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम को, अब मेन वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। अब हमारे पास दो स्पीकर चल रहे हैं। सो गाइस अब मैं अपने एक्सप्रेशन के साथ बताने वाला हूं कैसा साउंड आ रहा है, ठीक है। तो हेडफोन डाल लीजिए अपने कान में ताकि और अच्छा साउंड आए, क्लियरिटी आए आपके कानों के अंदर, ठीक है। तो प्ले करता हूं साउंड को। स्पीकर है ये, बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, ये देखिए मजा आ गया। बस मैं सुनाता हूँ आपको, ये देख सकते हो पूरी केबल हिल रही है। ठीक है इसमें आपको बता दूं ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है हमारा क्लास जी का ये वाला, ठीक है गाइस, बीट्स बेस और वोकल एकदम क्लियर निकालता है, आप कंट्रोल भी कर सकते हो फ्रीक्वेंसी वगैरह, बूफर बेस ट्रेवल भी कंट्रोल कर सकते हो। सो साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, हर एक फ्रीक्वेंसी क्लियर आएगी आपको, चाहे वोकल हो चाहे बीट्स हो।
ठीक है, चाहे हाई हो चाहे मिड हो, सारी फ्रिक्वेंसी एकदम बढ़िया आने वाली है अगर आप। थी कुछ नॉर्मल टेस्टिंग, अब बहुत ही बढ़िया टेस्टिंग करने वाले हैं। ये हमारे ओपन स्पीकर और बूफर थे, अब एक पेटी के अंदर, एक बॉक्स के अंदर जो कैबिनेट टाइप का है उसमें फिट करवा रखे हैं, तो अब उसकी टेस्टिंग करते हैं। उसके अंदर दो स्पीकर हैं 100 वाट के और एक बूफर है 400 वाट का। तो आइए प्ले करते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं जो मेरे सामने पेटी रखी हुई है जिसके बारे में आपको बता रहा था। सो लेट्स गो। सो गाइस, ये है वो बॉक्स, वो पेटी, वो कैबिनेट जिसकी मैं बात कर रहा था। आप देख सकते हो इसमें एक 7 कोर का जो हमने स्पीकर अभी टेस्ट किया वो है 400 वाट का और 200 वाट के स्पीकर्स हैं, ठीक है, देख सकते हो। और गाइस, ये जो पेटी है आपका पूरा घर नचा सकती है अगर एक क्लास डी के एम्पलीफायर के बोर्ड के साथ कनेक्शन कर दो, जो अभी हम टेस्ट करने वाले हैं। तो आइए कनेक्शन करते हैं, टेस्ट करते हैं प्रॉपर। और गाइस, इस पेटी के वेट की बात करूं तो कम से कम 20-25 किलो उसका वेट है। बहुत ही इजीली जिस तरीके से बिल्डअप हो रखी है, यहाँ पे एयर पासिंग होल भी दे रखे हैं तो हम लोगों ने, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्शन वायर भी है प्रॉपर। तो ये देख सकते हो कनेक्शन वायर है इसकी, प्रॉपर हम कनेक्शन करेंगे अपने क्लास डी के बोर्ड के साथ, ओके, इसके साथ, और फिर प्ले करेंगे। तो कनेक्शन करते थे जल्दी से, आपको पता ही है कैसे कनेक्शन करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली हमने कनेक्शन कर लिया है अपने वायर्स और अपने सॉकेट का, देख सकते हो। अब प्रॉपर टेस्ट करने वाले हम अपने बॉक्स का, अपने कैबिनेट का, जो 100 वाट के दो स्पीकर के साथ है और एक 400 वाट के सबवूफर के साथ है, ठीक है। देखते हैं क्या ये बोर्ड जो कि 50-50 प्लस के दो स्पीकर चलाता है 100 वाट के दो स्पीकर चला पाएगा। तो देखते हैं, प्ले करते हैं और देखते हैं साउंड कैसा आता है। सो लेट्स गो। सो ईयरफोन वगैरह कान में डाल लीजिए, बहुत मजा आने वाला है, एकदम धमाका होने वाला है। सो लेट्स गो, लेट्स गो। हो गया का दिल तमन इसको बात के आग, सोने पिंजरे से शेर के आग, इस पेपर आने चकने से कंपनी तेरे शहर में खाली करनी कलपनी। गाइस, ये जो आप साउंड सुन रहे हो ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है जैसा आप ईयरफोन डाल के सुन रहे हो। अगर आप लाइव सुनोगे तो आपको पता लगेगा, एक एक बीट, एक एक फ्रीक्वेंसी एकदम क्लियर आ रही है। बूफर का बेस एकदम तगड़ा आ रहा है, जैसे कि मैंने प्लास्टिक पेपर जब रखा तो उसने अंदर ले लिया, वो बॉक्स के अंदर चला गया, वो इतना तगड़ा बेस था, ठीक है। तो अभी एक और साउंड प्ले करते हैं, बाकी टेस्टिंग तो बढ़िया लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो पे कोई डाउट हो तो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप न्यू हैं। तो स्टार्ट करते हैं और भी धमाका मचाते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, आइए मेरे साथ टेस्टिंग करते हैं इसकी, हमें प्रॉपर अपना एक्सप्रेशन दिखाऊंगा किस तरीके का साउंड है इसका, प्रॉपर बताने वाला हूं। तो साउंड प्ले करते हैं, लेट्स गो। अभी देखना, मैं इसको लो करूंगा तो फ्रीक्वेंसी कैसे साउंड कम होगा, आप ईयरफोन लगा के रखना। सो गाइस, अब ये दोनों स्पीकर चल रहे हैं, आप स्पीकर का सिर्फ साउंड सुनना, सब ऊपर एकदम डाउन कर दिया है मैंने। इसमें सिर्फ हम 50-50 वाट के दो स्पीकर और एक 100 वाट का सबवूफर पर चला सकते हैं। हम यहाँ पे चला रहे हैं 400 वाट का सबवूफर और 200 वाट के स्पीकर, फिर भी लोड उठा रहे हैं, इतना बढ़िया चल रहा है। और जो मैंने
इनपुट दिया है पावर सप्लाई का 19 वोल्टेज है, तो बहुत ही बढ़िया आउटपुट आ रहा है। अगर आप 24 वोल्टेज का यूज करोगे तो और भी तगड़ा आ सकता है आउटपुट अपने स्पीकर और बूफर में। तो गाइस ये कुछ टेस्टिंग थी हमारे 2.1 क्लास डी एम्पलीफायर की, होप आपको पसंद आई होगी। मैं तो मतलब एकदम इंप्रेस्ड हूँ कि कैसे इतना छोटा सा बोर्ड, अगर ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होता तो क्या ही दिक्कत थी, इंपोर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी नेक्स्ट बोर्ड की भी टेस्टिंग आएगी, मेरे पे पड़ा हुआ है, वो बहुत ही जल्दी आएगी। होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। तो गाइस इस पे लाइक का एम रखते हैं हम इस वीडियो पे 4K, ठीक है, तो कर देना एक दो महीने जितना लगे, पर लाइक जरूर करना जो भी मेरी वीडियो देख रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, कॉमेंट करना, शेयर करना वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट बोर्ड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स गो।